हेलो यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रायल मिक्स का जो प्रोसीजर है वो कैसे हम ट्रायल मिक्स करते हैं और कंक्रीट का। ये आप देख सकते हैं, इसमें वाटर लिया जा रहा है, वाटर का वेट जो कि हमने 12 क्यूब के लिए निकाला है। क्वांटिटी कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन करके मैं वो किसी और वीडियो में बताऊँगा आपको। फिलहाल इसका आप प्रोसीजर देख सकते हैं, वाटर वेट लिया जा रहा है और ये सारा जो प्रोसीजर है कैसे ट्रायल मिक्स डिजाइन करते हैं। ये है हमारा IS 10262 और IS 456 में मेंशन है, जिससे कि हम ट्रायल मिक्स से अलग अलग रेशियो पे हम उसका स्ट्रेंथ और स्लंप टेस्ट करते हैं, रिटेंशन देखते हैं। इसमें अभी 20 mm मिक्सर में डाला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इसका डिजाइन करते हैं कंक्रीट का और ट्रायल मिक्स का, कैसे मिक्स बनाते हैं स्लम टेस्ट के लिए और क्यूब कास्टिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें एम सेंड है, फ्लाई एस है, सीमेंट है और 20 mm डाल दिया गया है और 10 mm है। ये सारा मिक्स होके इसके बाद में एडमिक्सचर डालेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसका स्लम टेस्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई क्वालिटी से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बताया है, अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उनके भी आंसर आपको दे दूंगा या उन पे वीडियो बनाऊंगा। प्रैक्टिकली जब हम कुछ करते हैं तो उसमें कई नए एक्सपेरिमेंट भी हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। अब ये रोटेट हो रहा है, थोड़ा मिक्स हो जाएगा, इसके बाद में हम इसमें एडमिक्सचर डालेंगे वाटर में मिक्स करके। ये एडमिक्सचर डाल रहे हैं जो कि सिर्फ 12 क्यूब के लिए है, 12 क्यूब के लिए है। इसका कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें बताऊंगा कि कैसे करते हैं। पहले हम 1 mQ के लिए क्वांटिटी निकाल लेते हैं, इसके बाद फिर 1 क्यूब का वॉल्यूम लेके हम उससे 12 क्यूब या 9 क्यूब जो भी आप कास्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैं बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। मिक्स हो चुका है, इसमें वाटर में एडमिक्सचर मिक्स करके अब इसमें डाला जा रहा है और फिर इसको रोटेट कर देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ये मिक्स हो जाए। शायद इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इस वजह से ये रुक गया है, लेकिन ये भी रोटेट होगा। जैसे ये रोटेट होके पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसमें तो शायद इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू है, तो फिर उसको आप इनिशियल स्लम्प चेक कर सकते हैं कि कितना स्लम्प आ रहा है इसमें। ये चालू भी हो गया अभी, और इनिशियल स्लम्प अगर जो आप रिटेंशन रखना चाहते हैं वो अचीव कर रहा है तो उसका आप 30 मिनट में, 60 मिनट में और 90 मिनट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आप उसका क्यूब कास्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।